नमस्कार, मैं हूँ सेजल। अभी हम मौजूद हैं सुकंदरपुर के नेहरू स्टेडियम में। तो कल से शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप और कल है इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच। तो आइए जानते हैं यहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ियों से कि उन्हें इस बार इंडिया टीम से क्या उम्मीद है। हमारे साथ मौजूद है नेहरू स्टेडियम के कोच, जो कि हमें बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर उनका क्या प्रेडिक्शन है। तो पहले तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। बिहार स्टेट T20 क्रिकेट अकेडमी मेरा कैंप है और उनके कोच हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार T20 वर्ल्ड कप में आपका क्या प्रेडिक्शन है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर? इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच है, वैसा तो खैर पूरे वर्ल्ड जानती है कि ये दोनों टीम कैसे मैच खेलती है, करो या मरो का दोनों टीम की तरफ से रहती है। उनके ऑडियंस भी उसी तरह से उसी नज़रिया से देखते भी हैं। तो हमको लगता है कि हर बार जब जब मैच होगी, अगर टीम मेरी अभी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है इंडियन टीम की और बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है, उस व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अभी जो भी मैचेज होंगे पाकिस्तान को तो खैर ऐसे ही रौनता रहेगा इंडिया। तो इसको लेकर प्रेशर बहुत होता है इंडिया टीम पे, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है तो जनता का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है प्लेयर्स पे इस बार प्रेशर किस प्रकार का है? नहीं, इंडियन टीम बहुत एक्सपीरियंस टीम है और वो प्रेशर उनके सामने कोई ऐसा नहीं होता है। वो मैच को मैच के व्यू से ही देखते हैं और काफ़ी गेम प्लानिंग होती है पहले भी, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्लानिंग के व्यू से ही अपना मैच खेलते हैं और हमेशा विनर रहते ही है। और अच्छी इनिंग उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार अच्छी आंकड़ा से ही, अच्छी एवरेज से ही इंडियन टीम जीतेगी। तो आपको क्या लगता है इस बार मोस्ट बैंकेबल मास्टर वे कौन होगा बैट्समैन में? बैट्समैन में हमारा जो ऊपर का फाइव प्लेयर्स लाइनअप है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये क्या कहते हैं आपके जो भी KL राहुल है, ये सब जो 2020 के जो लाइनअप प्लेयर्स है, ये सब सारे अच्छे बैटिंग करेंगे और एक्सपीरियंस है काफ़ी उनके जो भी बॉलर वीक पॉइंट है उनके ऊपर अटैक करती है। इंडियन टीम इस चीज़ में बहुत माहिर है और हमको लगता है कि अच्छी टीम जीतेगी। तो सबसे बढ़िया बॉलर दोनों तरफ से इसमें से कौन हो सकता है दोनों टीम को जो मिलाकर? दोनों टीम हमारी काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, ये बुमराह और ये क्या कहते हैं समी, ये सब अच्छे लाइनअप के बॉलर हैं और इनको झेलना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। तो बॉलिंग के टीम से बुमराह के कंपैरिजन में सहीन जो इस बार करते हैं, मतलब पाकिस्तान के नंबर वन बॉलर माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे बुमराह को? हमारे वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स हैं हमारे पास इंडियन टीम के पास, ऐसे बॉलर कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे इंडियन टीम के लिए। अच्छी तरह से उसकी धुलाई भी होगी, चाहे जो भी जितनी स्पीड लेके आए, 140 फेंकेंगे तो भी वो मार खाएंगे या 130 फेंके तो भी मार खाएंगे। तो हार्दिक पांडे की अभी परफॉर्मेंस जिस प्रकार से थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, तो आपको क्या लगता है इस बार मैच में उन्हें खिलाना सही होगा? वो इसी मैच में कमबैक कर लेंगे, वो इसी में वो कमबैक करके और अच्छी टीम दिखाएंगे और पाकिस्तान को अच्छी सबक सिखाएंगे भी, वही हार्दिक पांड्या ही। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन से खिलाड़ी ऐसे खतरनाक हो सकते हैं जो विराट की विकेट या रोहित के विकेट ले सकते हैं? देखिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे हम शुरू में ही आपको बताएं कि हमारी टीम बुरी तरह से उसकी वीक पॉइंट से लर्न करते हैं, सीखते हैं और प्लस उसकी वीक पॉइंट को भी टच करते हैं, तो विकेट पर जब उतरेंगे तो वो सारी चीज़ मैनेज कर लेंगे वो। तो इंडिया को आपको क्या लगता है पहले अगर टॉस जीतती है तो बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए? देखिए, हमारा दोनों चीज़ सिचुएशन डिपेंड करता है विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि विकेट कैसा खेल रहा है नहीं खेल रहा है। अगर बॉलिंग में होगी तो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग कर सकती है इंडियन टीम के पास दोनों चीज़ें एवरेज है, वो अगर टॉस जीतती है तो भी बैटिंग भी कर सकती है और टॉस हारती है तो भी बॉलिंग भी अच्छी ढंग से कर सकती है। तो टारगेट कितना सेट करना चाहिए अगर इंडिया टीम? 200 हम लोग जानते हैं कि 200 अच्छी स्कोर है 2020 के लिए, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप मेरा स्ट्रॉन्ग भी है, तो 200 एबव रहनी चाहिए। तो एज अ विराट कोहली की कैप्टेंसी में ये वर्ल्ड कप वो पहली मतलब आखिरी बार खेल रहा है एज अ कैप्टन, तो आपको क्या लगता है उनका परफॉर्मेंस इस पे भारी पड़ने वाला है इस बार? हमारी बैक हिस्ट्री है, एमएस धोनी है और अब विराट कोहली है, तो आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। जो भी हमारे कैप्टन अच्छे स्कोर से, अच्छी टीम, अच्छी बैटिंग लाइनअप, अच्छी स्कोर से इंडिया को काफ़ी सारी कप दिलवाए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2020 भी आराम से वर्ल्ड कप लाएंगे उठाकर। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग आपको क्या लगता है किसको देंगे वो? उसके जो स्ट्राइकर बैट्समैन हैं, जो उसके ओपन बैट्समैन हैं, वो तो उतारेंगे ही ना, और बीच में क्या कहते हैं ऑलराउंडर वगैरह को डालेंगे वो लोग। तो 2007 में जैसे धोनी ने एज अ कैप्टन हमें वर्ल्ड कप जिताया था, तो एज अ मेंटर इस बार वो दिखेंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार वो एज अ मेंटर हमारे कैप्टनसी को साथ में लेते हुए विराट के साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो कर पाएंगे, मतलब इस बार भी हमें वर्ल्ड कप दिला पाएंगे? काफ़ी एम एस धोनी को मेंटर होने के कारण
काफ़ी इंडियन टीम को फ़ायदा मिलेगी और काफ़ी एक्सपीरियंस विकेट कीपर, बैट्समैन प्लस कैप्टन, ये तीनों चीज़ रह चुके हैं। हर क्षेत्र में इंडियन टीम को उनसे बेनिफिट, प्रॉफिट सारी चीज़ मिलती रहेंगी और हम उम्मीद करेंगे कि BCCI से उन्हें हमेशा हर पार्ट्स में वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, उनके साथ इंक्लूडिंग रखना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं ये खेल है, उसमें हार जीत बनी रहती है, तो अगर इंडिया टीम हारती है तो यहाँ की जनता का उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा? नहीं, हार जीत क्रिकेट का एक पहलू है, इसमें हमारे ऑडियंस भी, हमारे इंडियन जो भी है वो भी जानते हैं कि क्रिकेट को उस नज़रिए से नहीं, ये स्पोर्ट्स है और क्रिकेट है, इसमें हार जीत का दोनों होता है। कहीं पर चूक होने से हम हार जाते हैं, कहीं अच्छा करने से हम जीत जाते हैं। ये सब चीज़ हमारे पूरे इंडियन, हमारे भारतवासी को सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्रिकेट का एक पार्ट्स है और पूरी उम्मीद है, पूरी कॉन्फिडेंस है कि इस बार बढ़िया रनों से भी पाकिस्तान को हराएंगे। जी धन्यवाद। आपका नाम हुआ? पवन कुमार मेरा नाम हुआ। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ जुड़े थे पवन कुमार जो कि कोच थे यहाँ के। तो आइए हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं, चाहिए उनसे पूछते कि उन्हें क्या लगता है इस बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो किसको सपोर्ट कर रहे, किस प्लेयर के साथ उनका मानना है कि इस बार ज़्यादा रन से रन बना सकेंगे। तो बच्चे आपका नाम क्या हुआ? प्रियांशु। आप यहाँ पे प्लेयर हो? नहीं, अभी एकेडमी ज्वाइन हुआ है अभी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीत सकता है? अभी मुझे तो लगता है कि इंडिया ही जीत सकती है। तो इंडिया में आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर ईशान किशन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो कितने रन मारेंगे इस बार? ये इस बार हाफ सेंचुरी तो मार ही देंगे। ओके, थैंक यू। तो आइए हम बात करते हैं और कुछ बच्चों से। बच्चा आपका क्या नाम हुआ? साहस राणा। ओके, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार इंडिया की टीम में? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, आपके फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है। तो आपको क्या लगता है इस बार वो सेंचुरी मारेंगे? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जीतेंगे इस बार इंडिया? हाँ। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? शिवम अरफानिल। ओके, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया टीम? इंडिया। हाँ, तो इंडिया टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, तो आपको भी लगता है कि इस बार रोहित शर्मा सेंचुरी मारेंगे? 50 हाफ सेंचुरी मार देंगे। हाफ सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, तो चलिए आइए बात करते हैं और कुछ बच्चों से। आपका क्या नाम हो? विजय कुमार। आप यहाँ पे प्लेयर कितने सालों से? 3 months से। 3 months से। तो आपको क्या लगता है इस बार इंडिया टीम जीतेगी कितने रनों से? अच्छे रन से जीतेगी, 100-150 रन से जीतेगी, मिनिमम 100 रन से जीतेगी। जी, तो आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, अच्छी बात है। तो फिर हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया का प्रेशर कैसा रहेगा? इंडिया का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। हाँ, और मतलब पाकिस्तान के खिलाफ में आपको लगता क्या है कि इस बार विराट अपने कैप्टनसी में आखिरी मैच खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी, आखिरी मैच है तो अच्छी रहेगी और कप भी विराट की टीम लाएगी। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि हमने जाना है यहाँ के कुछ बच्चों से बातचीत करके कि उन्हें लगता है कि इस बार ज़रूर से ज़रूर इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान को हरा के अपना वर्ल्ड कप ज़रूर अपने यहाँ इंडिया ला के आएगी। तो ऐसे ही समाचारों के लिए बनते रहिए हमारे साथ। मैं सेजल मुजफ्फरपुर मैक के लिए, धन्यवाद।